Hello, all of you. I am back with the second part of AIR chapter, which is the 7th class chapter 4th. Okay, so हमने इसके बारे में पढ़ लिया था, इनकी spheres कैसी होती हैं, इसका composition कैसा होता है, and now we talk about the some more things about the atmosphere. So here is the first topic is weather and climate. वेदर एंड क्लाइमेट, फर्स्टली हमें इनके डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है. मैं आपको वन लाइन में अंडरस्टैंड करवाती हूँ. वेदर वो होता है जो हमारा मौसम चेंज होता रहता है. वेदर को आप याद रखो चेंज से, ठीक है. और क्लाइमेट क्या होता है, जो अप्रोक्सीमेटली मोस्ट ऑफ थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम द लास्ट 10 to 30 ईयर्स जो हमारा क्लाइमेट रहता है, दैट जो वेदर रहता है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. जैसे जो चेंज होता रह रहा है वो वेदर है, और जो चेंज रैपिडली चेंज नहीं हो रहा है 10 to 30 ईयर्स से, वैसा ही कुछ एटमॉस्फेयर बना हुआ है हमारे यहाँ, वैसा ही कुछ एनवायरनमेंट बना हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ क्लाइमेट. सो लेट्स अब रीड करते हैं और उसके साथ पढ़ते जाते हैं कि क्या था. अब आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए कि इज इट गोइंग टू रेन टूडे, क्या आज बारिश होगी, या विल इट बी ब्राइट एंड सनी टूडे, या फिर आज धूप वाला या सनी या ब्राइट बहुत ना गर्म दिन होगा. हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू हर्ड दिस फ्रॉम एन एग्जिस्ट क्रिकेट फैंस. हम अक्सर ये चीजें कहाँ सुनते हैं, क्रिकेट हाँ जो स्टेडियम्स हैं वहाँ पे, क्योंकि हमें बहुत वेट होता है ना कि क्रिकेट का मैच स्टार्ट हो और वहाँ पे एकदम से बारिश, वेदर खराब हो जाता है और बारिश वगैरह हो जाती है. तो इस वजह से, सो नाउ वी टॉक अबाउट दिस वेदर एंड क्लाइमेट. इफ़ वी इमेजिन अवर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड माइंड इट्स स्पीकर, अगर हम सोचें या इमेजिन करें कि हमारी जो बॉडी है वो एक रेडियो है और हमारा माइंड जो है वो एक स्पीकर है. वेदर इज समथिंग दैट फिडल विद इट्स कंट्रोल नॉब. सो हम कहाँ सोचेंगे कि हमारा कंट्रोल नॉब कहाँ है. वेदर इज दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर. ऐसे ही बार बार जो कंडीशन चेंज होती हैं एटमॉस्फेयर की वो कहलाती हैं वेदर. जस्ट रिमाइंड दिस थिंग कि जो कंडीशंस एटमॉस्फेयर की बार बार चेंज होती हैं उसको हम वेदर कहते हैं. एंड अ हॉट और ह्यूमिड वेदर मेक वन इरिटेबल. और हमें बहुत ज़्यादा जब गर्मी या हुमिड होती है तो हमें क्या होता है, इरिटेशन होता है, इरिटेबल होता है वो जो वेदर है हमारे लिए. अ प्लेजेंट ब्रीजी वेदर मेक अ वन चीयरफुल एंड इवन प्लान और एंड आउटिंग. अगर हम होता है ना किसी दिन बहुत ठंडी ठंडी ब्रीज चल रही हो, ठंडी हवा चल रही हो, वेदर बहुत अच्छा सा हो, तो हमें कैसा होता है, हमें लगता है कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए. तो इट्स अ वेदर जो बिल्कुल से गर्म हो गया, ठंडा हो गया. अभी आपने देखा होगा कि दिन में अभी धूप निकली हुई है और कुछ घंटों बाद ही बारिश हो गई शाम को. तो ये क्या है, ये वेदर चेंज हो रहा है. ओके, ये क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है. द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट. और यही कंडीशन अगर कंटिन्यू रहती है 10 to 30 ईयर, जैसे हम आपने सुना होगा जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं उनका मॉडरेट टेम्परेचर है. मॉडरेट मीन्स कि जैसे ही थोड़ा बहुत सनी हो गया, ज़्यादा तेज गर्मी हो गई, तुरंत वहाँ बारिश हो जाती है थोड़ी देर बाद. तो क्या, या बारिश वहाँ कभी भी होती ही रहती है. तो ये एरिया कैसे हो गए, मॉडरेट हो गए. राजस्थान हो गया, ये कैसा है, डेजर्ट एरिया है, बिल्कुल सूखा हुआ है. तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती, तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट क्लाइमेट है. सो क्लाइमेट मीन्स जो पर्टिकुलरली मे बी वहाँ का बहुत सालों तक वही वेदर वहाँ पे बना हुआ है. और वेदर क्या है, जो दिन रात या कुछ घंटों में चेंज होता रहता है. नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव द डेली वेदर फॉरकास्ट. और इस बात से आप समझ सकते हैं कि हम डेली वेदर फॉरकास्ट देखते हैं. डेली वेदर फॉरकास्ट मतलब रोज बदल रहा है वेदर फॉरकास्ट, है ना. फॉरकास्टिंग मतलब वो पहले आपको बता देते हैं कि आज बारिश होगी या आज धूप होगी या आज क्लाउडी वेदर रहेगा. सो आई होप के अंडरस्टैंड वेदर जो बार बार चेंज होता है एंड क्लाइमेट जो कि लॉन्गर पीरियड तक रहता है. नाउ वी कम टू द टेम्परेचर. एयर का जो एटमॉस्फेयर का जो हमारा स्ट्रक्चर है या कॉम्पोजिशन है वो कैसे टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है. आपने देखा हमने 5 लेयर्स के बारे में पढ़ा था लास्ट फर्स्ट जो हमारा पार्ट था. कौन कौन सी थी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर एंड द लास्ट इज थर्मोस्फेयर एंड द लास्ट इज
एक्सोस्फेयर, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, सबसे नीचे कौन सी है, विद पिक्चर आप देख लो, सबसे नीचे कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड द लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। तो ये लेयर्स हमें हमारे टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर। जो टेम्परेचर आप रोज फील करते हैं, आप अभी जैसे कि गर्मियों के दिन चल रहे होते हैं तो हम गर्म फील कर रहे हैं, थोड़ा सा जब जुलाई अगस्त का मंथ आता है तो हम फील करते हैं मॉडरेट टेम्परेचर, देन जब नवंबर दिसंबर जनवरी का मंथ आता है तो हमें कोल्ड लगता है। तो उस तरीके से जो ये टेम्परेचर आप डेली फील करते हैं, ये टेम्परेचर किसका है, एटमॉस्फेयर का। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर कहते हैं किसको है, हॉटनेस या कोल्डनेस का जो जो डिग्री है, जैसे 0 डिग्री है तो ये कोल्ड है बहुत ज़्यादा, है ना, अभी 40 डिग्री लमसम चल रहा है तो ये हमारे लिए बहुत हॉट है, तो ये क्या है, ये डिग्री जो हम काउंट करते हैं हॉटेस्ट या कोल्डेस्ट, दिस इज नोन एज अ टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो बाई द सीजन। हम मैंने अभी आपको बताया कि ये सिर्फ दिन और रात में टेम्परेचर नहीं कम या ज़्यादा हो रहा है, ये हमारा सीजन वाइज भी चेंज होता रहता है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हमारा टेम्परेचर अफेक्ट होता है या इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव जिससे पड़ता है, दैट इज़ अ इंसोलेशन। इंसोलेशन मतलब जो सूर्य की गर्मी है, हम सबको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट और रेवोलेट करती है, तो जब वो रोटेट करती है तो उसका कुछ पार्ट सन की तरफ आता है, और जब वो रेवोल्यूट करती है या रेवोल्यूशन कर रही होती है तो भी वो क्या होती है, कई बार वो ऐसा रेवोल्यूशन अपने ऑर्बिट पे करती है कि सन के काफ़ी नज़दीक आ जाती है, और थोड़ी देर बाद वो रेवोल्यूट करते करते ऐसा पहुंच जाती है कि हमारी जो अर्थ है वो सन से दूर हो जाती है। तो इस ये भी एक रीज़न है इंसोलेशन की, वो कितने सन के पास में है और कितना सन से दूर है, कितना सूर्य का जो ताप है, इंसोलेशन मीन्स होता है सूर्य ताप, तो कितना जो सूर्य का ताप है वो उसके पास पड़ रहा है जिससे गर्मी या सर्दी या टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। और एक ये भी रीज़न है कि हम सबको पता है जो इक्वेटर है वहाँ पे बिल्कुल सनरेज बिल्कुल सीधी पड़ती है, और हमने उसे इक्वेटर बोला है 0 डिग्री, जो कि हमारा टॉरिड जोन होता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है अपने 3 जोन्स के बारे में कि अगर ये अर्थ है, बीच में जो इक्वेटर है ये हमारी टॉरिड जोन आता है, फिर थोड़े ऊपर 23.5 डिग्री पे हमारे पास टेम्परेट जोन आता है, और लास्ट 66.5 डिग्री पे बोथ ऑफ द पोल्स पे हमारे पास फ्रिजिड जोन आता है। तो ये टेम्परेचर इसके अकॉर्डिंग भी चेंज होता रहता है। Now do you understand why poles are covered with snow? अब आपको समझ में आ रहा है कि जो poles हैं, north pole और south pole, वो हमेशा बर्फ से ढके हुए क्यों रहते हैं? जो हमारा आर्कटिक सर्कल है और एंटार्कटिक सर्कल है, दोनों ही हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, क्योंकि उतनी ज़्यादा हीट या टेम्परेचर वहाँ नहीं होता, वो इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूर हैं इस वजह से। If the earth's temperature rises too high, अगर हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, इट वुड बी बिकम टू वार्म एंड सम क्रॉप्स टू ग्रो। तो हमारी जो अर्थ है उसमें जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो होने लगती है। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेज। गांव की अपेक्षा जो हमारे सिटीज हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग यूज़ क्या किए गए हैं बिल्डिंग बनाने में, पक्के मकान या बिल्डिंग बनाने में किन चीज़ों का यूज़ होता है, कंक्रीट का या फिर मेटल का, लोहे का, और ये कैसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा हीट को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। एसफल्ट ऑफ रोड्स, जो हमारी डामर वाली एसफल्ट मीन्स होता है, जो ब्लैक आप रोड देखते हो ना, जो काली काली, जो जीटी रोड पे देखो पूरा एकदम सिमिलर एक ब्लैक रोड बनी हुई है, तो ये एसफल्ट रोड होती हैं, मतलब डामर से बनाई होती हैं, ये भी क्या होती हैं, ये बहुत ज़्यादा हीट को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करती हैं, एंड ड्यूरिंग द हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। और रात को, दिन में तो वो एब्जॉर्ब करती हैं और रात को क्या करती हैं, वो रिलीज़ करती हैं कि ये जो हीट है उसे वो बाहर निकाल दें।
The crowded high-rise buildings on the cities trap the warm air, thus rise of temperature in the cities. और बड़ी बड़ी बिल्डिंग होने के कारण भी जो टेम्परेचर है वो सिटीज में हाई होता है, जबकि जो गांव है वहां पे क्या होता है, छोटे छोटे एक मंजिल के घर बने हैं, मिट्टी के घर बने हैं, खुला एरिया है, जिसकी वजह से वहां टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होता है. Now we talk about the air pressure. We will surprise to know that air above us pressures us with a great force of our body. आपको जान के शायद आज थोड़ा सा सरप्राइज हो गए आप कि आपके ऊपर ऑलरेडी जो हमारी एटमोसफियर है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है एयर, लेकिन हम उसे फील नहीं कर पाते. वी डोंट इवन फील इट. दिस इज बिकॉज ऑफ द एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन. और ये ऐसा क्यों होता है कि जो एयर प्रेशर है वो चारों तरफ से लग रहा है, मतलब जितने भी डायरेक्शंस हैं ना हमारे, फोर मेन डायरेक्शन और फोर सब डायरेक्शन, इन तरफ से चारों तरफ से हमारे ऊपर फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से हम उसे फील नहीं कर पाते हैं. एंड बॉडी एक्सट्रैक्ट्स अ काउंटर प्रेशर. और बॉडी को वो आपस में ही एक दूसरे में क्रॉस कर जाते हैं और हमारे ऊपर प्रेशर उतना हमको फील नहीं होता है. दिस प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाय द वेट ऑन द एयर ऑफ अर्थ सरफेस. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेशर एक्सट्रैक्ट हो रहा है, एक से दूसरी तरफ फैल जा रहा है ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर. एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमोसफियर, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, लाइक ट्रोपो स्ट्रेटो मेसो थर्मो एंड एक्सो, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे प्रेशर फॉल्स रैपिडली, जो प्रेशर है वो रैपिडली गिरता जाएगा, हल्का होता जाएगा. द एयर प्रेशर इज हाइएस्ट एट द सी लेवल. जितना हम सी लेवल के पास जाएंगे, जितना हम नीचे की तरफ रहेंगे उतना हाइएस्ट प्रेशर होगा, जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जितना हम हाइट पे जाएंगे उतना ये एयर प्रेशर कम होगा, डिक्रीजेज विद द हाइट. ये हाइट के साथ एयर प्रेशर कम होता है. हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर और एयर गिवन प्लेस. अब क्या होता है, धीरे धीरे एयर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर को प्लेस दे देता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है और हमारा एयर प्रेशर कम होता जाता है. तभी तो स्ट्रेटोस्फेयर में इवनली हमारी जो प्लेन है, एरोप्लेन है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में आराम से घूमते हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है, एयर प्रेशर कम होता है और टेम्परेचर से कुछ करना नहीं है हमको, क्योंकि अंदर जो मॉडिफिकेशन हुए हैं एरोप्लेन में वो हमारे टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं करते हैं. दिस क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया. जहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई, ऐसे एरिया जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, गेट हीटेड एंड राइजेज. जो एयर है वो कैसी होगी, अब देखिए जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर पे क्या होता है, सन डायरेक्ट अपनी हीट दे रहा है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ की हवा गर्म हो जाएगी, है ना, हीट की वजह से, और वो क्या होगी, ऊपर उठेगी, लाइटर हो जाएगी एंड देन वो ऊपर राइज हो जाएगी. दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया. और वहाँ पे जो एयर है उसका प्रेशर कम हो जाएगा और इसी वजह से हम उस एरिया को लो प्रेशर एरिया कहते हैं. लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर. लो प्रेशर एरिया की वजह से ही जो स्काइज हैं वो क्लाउडी होते हैं एंड वेदर वेट होता है, क्योंकि उसके आसपास जितना भी पानी उसको मिलता है, लाइक इक्वेटर के पास जितना भी हमारा सी का है ना पानी मिल रहा है, वो क्या होगा, हॉट एयर के साथ एवेपोरेट होगा, ऊपर उठेगा, जिसकी वजह से क्लाउड बनेंगे और हमारा वेदर जो है वो वेट होगा, थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएगा. इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर, जहाँ पे लोअर टेम्परेचर है, जैसे ठंडे एरिया जहाँ पे हैं, द एयर इज कोल्ड, वहाँ की हवा कैसी होती है, ठंडी होती है. इट इज देयर फॉर हैवी, और जिसकी वजह से वो क्या, ठंडी चीज़ें कैसी लगती हैं हमें, हैवी लगती हैं. हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया. तो जो जहाँ पे ठंडा, अब दो बातों को अलग अलग ऐसे समझ लो कि जो गर्म एरिया है, गर्म हवा है, वो लो प्रेशर है, और जो ठंडा एरिया है, ठंडी हवा है, वो हाई प्रेशर है. हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काई. आप देखोगे जहाँ भी हाई प्रेशर है वहाँ आपको जो क्लाउड्स हैं वो उतने नहीं दिखेंगे, आपको क्लियर स्काई देखने को मिलेगा. द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर. हमेशा जो एयर है वो हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की
तरफ में, क्योंकि भारी चीज हमेशा कहाँ आएगी, जहां उसको स्पेस मिल जाएगा जाने के लिए। तो लो प्रेशर जो है, जो लो एयर है वो तो ऊपर उड़ जाती है, हल्की हो जाती है, और जो हैवी एयर है वो उसके प्लेस में आके रह जाती है। विंड, नाउ वी टॉक अबाउट द विंड। विंड को भी हम हवा कहते हैं, बट विंड की डेफिनेशन क्या है, चलती हुई हवा। एयर क्या है, एयर हर जगह मौजूद है, चाहे वहां पे हमें हवा लग रही हो या ना लग रही हो, लेकिन विंड क्या है, जो हवा चल रही होती है उसको हम विंड कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर, ओके, जो मूवमेंट हो रहा है एयर में हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर, दिस इज कॉल्ड विंड। हाई प्रेशर ठंडी जगह से लो प्रेशर गर्म जगह पे जो मूविंग हो रही है एयर की, दिस इज कॉल्ड एज अ विंड। यू कैन सी विंड एट वर्क एज द ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट एंड द अप्रूट स्ट्रीम ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। आपने देखा होगा आंधी तूफान जब बहुत तेज आता है तो पेड़ों की पत्तियां, इवन बहुत सारे जो पेड़ होते हैं वो भी उखड़ जाते हैं अपने रूट से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विंड में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली, जब धीरे धीरे अच्छी सी हवा चल रही होती है, यू कैन इवन सी द ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। आप फिर भी देखते हो कि हल्की हल्की धूल या स्मोक, जो धुआं है वो भी वो अपने साथ उड़ा के ले जा रहे हैं। एट टाइम्स विंड कैन सो बी स्ट्रॉन्ग दैट इज डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। कई बार होता है कि विंड इतनी तेज चल रही होती है हवा कि आप अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका चलना भी मुश्किल हो जाता है, उसका फोर्स इतना ज्यादा होता है। You must have experienced, it is not easy to hold an umbrella on a wind day. कभी कभी आपने देखा होगा, कभी क्या, मोस्टली हो जाता है जब आंधी और जो पानी है वो एक साथ रेन होता है, तो हमने अगर अम्ब्रेला ले रखा है तो अम्ब्रेला क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में उड़ने लगता है, क्योंकि क्या करता है, विंड उसको इतना ज्यादा प्रेशर देता है कि वो अपनी जगह पर स्टेबल नहीं रह पाता। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो नाउ वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स फॉर यू, जो हमारे लिए कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, हमने विंड्स को भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। विच वन, ये आपको लर्न करना होगा, इट्स टू इंपॉर्टेंट। परमानेंट, सेकेंड सीजनल एंड लोकल। परमानेंट, सीजनल, लोकल। परमानेंट नाम से समझ में आ रहा है, जो लगभग हमेशा एक जैसे ही बहती हैं, जो विंड्स हमेशा एक जैसा ही ब्लो करती हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ परमानेंट। और वो कौन कौन सी हैं, द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्नाइज विंड्स एंड ईस्टर्नाइज विंड्स। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्टर्नाइज विंड, जो वेस्ट से चल रही हैं उनको हम वेस्टर्नाइज विंड कहते हैं, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही हैं उनको हम ईस्टर्नाइज विंड कहते हैं। एंड द ट्रेड विंड्स, जो आप बीच में इक्वेटर के पास देखो जो विंड्स चल रही हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रेड विंड्स। तो ये थ्री विंड्स हैं जो परमानेंट विंड्स कहलाती हैं, क्योंकि कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर ये एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, इसलिए इनको हम परमानेंट कहते हैं। ओके, परमानेंट किसको कहते हैं, जो हमेशा एक जैसा काम करे या एक जगह पे काम करे। तो कौन कौन सी विंड्स हमने पढ़ी, परमानेंट विंड्स में ट्रेड विंड्स, वेस्टर्नाइज विंड, ईस्टर्नाइज विंड्स। वेस्टर्नाइज विंड्स जो है जो वेस्टिंग वेस्टर्न से चलती हैं, ईस्टर्नाइज विंड्स जो ईस्टिंग ईस्टर्न साइड से चलती हैं, एंड द लास्ट इज ट्रेड विंड जो इक्वेटर के ऊपर और नीचे चलती हैं। इनका डायरेक्शन हमेशा सेम होता है, इसलिए हम इन्हें, या इनका प्लेस जो है वो भी हमेशा सेम होता है, इस वजह से हम इन्हें विंड्स कहते हैं, परमानेंट विंड्स। मैं आपको ना इसका एक जो मैप आता है ना, मैप बुक में जो स्पेशली बहुत डिफाइन करते हैं, मैं उसके थ्रू भी कोशिश करूंगी कि एक इस चैप्टर के साथ इसका विंड का डाल दूं, कि आपको ईजी हो जाए अंडरस्टैंड करने में। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड वन इज सीजनल विंड्स। These winds change their direction in different season. ये seasonal, समझ में आ रहा है कि season के according change होने वाली wind को हम seasonal wind कहते हैं। For example, monsoon in India. अब monsoon में अलग अलग से wind चलती है, monsoon लेके आती हैं winds, है ना, तो ये विंड कौन सी है, सीजनल विंड है, ये सिर्फ दो या तीन महीने ही चलती हैं। नेक्स्ट इज द लोकल विंड। लोकल विंड उनको कहते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही चलती हैं और कहीं नहीं, तो ये लोकल विंड्स हैं। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ डे और ईयर स्मॉल एरिया, एक छोटे से हिस्से में किसी भी लैंड मास में, ये ईयर के किसी एक सीजन या पर्टिकुलर डे या कुछ टाइम के लिए चलती हैं, तो इनको हम लोकल विंड्स कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज. लैंड एंड सी ब्रीज कहाँ चलती हैं? जहाँ पे बीचेस होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं. तो ये कैसी हो गई? ये लोकल विंड्स हो गई. आपने कभी सुना होगा जो ड्राई और हॉट नॉर्दर्न विंड्स चलती हैं इंडिया में, प्लेन एरिया में, लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, लिटिल बिट ऑफ हरियाणा, है ना, जो ये मेन मिडिल पार्ट पड़ता है नॉर्दर्न प्लेन्स का. यहाँ पे हॉट एंड ड्राई विंड्स चलती हैं गर्मियों के टाइम में, समर सीजन में, जिनको हम लू कहते हैं. तो ये कैसी विंड है? ये लोकल विंड्स हैं जो ड्यूरिंग अ पीरियड कुछ टाइम के लिए चलती हैं और उसी पर्टिकुलर एरिया में चलती हैं. नेक्स्ट वन इज मॉइस्चर. मॉइस्चर हमारे एयर में कैसे आता है, इसको समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी है ये जो तीन दे रखे हैं ना डायग्राम्स, साइक्लोनिक रेनफॉल, रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल, एंड द लास्ट वन इज कन्वेक्शनल रेनफॉल. मॉइस्चर जब हमारी एयर में, अब हमने पढ़ा था एयर में क्या क्या होता है, गैसेस होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं, एंड द वाटर वेपर, इन सबसे मिलके हमारी एयर बनी हुई है. तो एयर में मॉइस्चर होता है. तो व्हेन वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द लैंड फ्रॉम द डिफरेंट वाटर बॉडीज, अलग अलग वाटर बॉडीज से, सी, ओशन, रिवर, पॉन्ड्स, अंडरग्राउंड वाटर, बाय द फोटोसिंथेसिस, इन सारी प्रोसेस के थ्रू जब हमारी एयर में मॉइस्चर या वाटर चला जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, इट बिकम्स वाटर वेपर, वो वाटर वेपर बनता है. मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम, वो उसमें कभी भी मॉइस्चर रहता ही है हमारे अर्थ में, इज नोन एज अ ह्यूमिडिटी. उसको हम किस नाम से जानते हैं? ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं. व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर, जब उसमें इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा एयर हो में वाटर हो जाता है, देन वी कॉल दैट इज एज अ ह्यूमिडिटी. कि अभी हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है, या व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट एज अ ह्यूमिड डे. और उसी दिन को हम ह्यूमिड डे के नाम से जानते हैं. कि जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यार ह्यूमिड हो गई है, ह्यूमिड हो गई है मीन्स कि हमारा जो स्वेटिंग है वो भी नहीं सूखता है, है ना, विंड भी चल रही है तो भी नहीं सूख रहा. तो इट मीन्स कि क्यों नहीं सूख रहा है? क्योंकि विंड के पास जो पार्टिकल्स रह गए हैं जिसमें वो वाटर वेपर इवेपोरेट करे, वो पूरा उसका फिल हो चुका है, है ना, अब उसके पास जगह ही नहीं रह गई है कि वो उसमें और वाटर को ऐड कर सके. एज द एयर गेट्स वार्मर, जितनी जो एयर है वो गर्म होगी, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीज, वो उतना ज़्यादा वाटर वेपर लेगी, एंड सो इट बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड, और उसी की वजह से ज़्यादा ह्यूमिड बनेगा. On the day, clothes take longer, a dry sweat from the body does not evaporate easily. आपने देखा होगा कई बार ऐसा टाइम होता है जब जो ईजिली, जो जैसे बारिश का टाइम है मानसून का, तो उसमें क्या है, ऑलरेडी जो हमारा वेदर है, जो एटमोसफियर है, एयर है, उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो ह्यूमिडिटी है वो मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे जो कपड़े हैं या जो स्वेटिंग है वो उतनी ज़्यादा जल्दी ड्राई नहीं होती है जितना कि समर में ड्राई होती है. When the water vapor rises, जब water vapor उड़ते हैं, rise होते हैं, it start cooling, फिर वो ठंडे भी होते हैं. Water vapor condense, causing formation of droplets, और condensation के through, like आप सोचो, मैं आपको एक imagination बताती हूँ कि कैसे, अभी जैसे ocean है, ठीक है, वहाँ से हमारी wind गुजर रही है और उसमें जितने भी particles खाली हैं उसमें वो water vapor को evaporate कर रही है. फिर क्या हुआ कि उसने वो सारे water vapor को मिला के कंडेंस कर दिया और एक क्लाउड बना दिया, क्लाउड्स भर के वो बहुत ज़्यादा, और फिर वो क्लाउड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए. ड्रॉपलेट्स मतलब छोटी छोटी बूंदों में, और जहाँ जब वो इतने ज़्यादा हैवी हो जाते हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है, कि अब वो इससे ज़्यादा वेट नहीं संभाल सकते क्लाउड, तो वो क्या करते हैं, रेन कर देते हैं. प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन दिस लिक्विड इज कॉल्ड रेन, और वही जब वो पानी क्लाउड के थ्रू नीचे आता है हम उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं. प्रेसिपिटेशन मतलब क्लाउड से किसी भी फॉर्म में जब वाटर नीचे आता है, वो हेल भी हो सकता है, स्नो भी हो सकता है, रेन भी हो सकता है, ओके. तो जब प्रेसिपिटेशन के थ्रू जो हमारा वाटर है वो क्लाउड से नीचे आता है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसको हम रेन कहेंगे, अगर वो हेल के फॉर्म में है, ठोस जो बर्फ के टुकड़े हैं उसमें है, तो उसे हेल कहेंगे, एंड हल्का हल्का स्नोफॉल की तरह गिर रहा है तो उसे हम स्नोफॉल कहते हैं.
सो रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन्स एंड कैन कॉज ऑफ फ्लोडिंग. और फिर इसी तरीके से जब पानी बहुत ज़्यादा जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे गिरता है, तो क्या यही कॉज बनता है हमारे जो फ्लड्स आते हैं हमारे प्लेन एरिया में उसका? क्योंकि देखिए बारिश कहाँ होगी, माउंटेन्स पे. जो क्लाउड्स हैं वो टकराए कहाँ पे, माउंटेन्स पे, वहाँ पे बारिश हुई. और माउंटेन कैसा है, हायर एरिया है, वहाँ से जब प्लेन्स की तरफ पानी नीचे बहता है बहेगा तो क्या होगा, प्लेन एरिया में फ्लड आएगा. सो दिस इज अ रेनफॉल. थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल जो जो नॉर्मल रेनफॉल होता है लाइक इवेपोरेशन हुआ, क्लाउड बने और गिर गए, ये हमारा कन्वेक्शनल रेनफॉल है. जो रिलीफ या ओरोग्राफिक, जब वो क्लाउड किसी माउंटेन से टकराते हैं और तब बारिश करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज अ ओरोग्राफिक रेनफॉल. एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल, जब कोल्ड एयर और वार्म एयर जब साइक्लोन बनाती है ना, हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब साइक्लोन बनाती है ना क्या होता है साइक्लोन, जब कोल्ड एयर और वार्म एयर एक दूसरे से टकराती हैं और दोनों का प्रेशर क्या है, हाई है, साथ में चल रहा है, तो जो एक दूसरे में मर्ज नहीं हो पाती हैं तो वो साइक्लोन बना लेती हैं. तो जब साइक्लोन में कोई क्लाउड फंस जाता है और वो तब बारिश करता है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ साइक्लोनिक रेनफॉल. तो ये तीन रेनफॉल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना. नाउ रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी रेनफॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट ब्रिंग फ्रेश वाटर टू द अर्थ सर्फेस. हमारे अर्थ सर्फेस पे ये क्या करती है, फ्रेश वाटर को लेके आती है. इफ रेनफॉल इज लेस, वाटर स्कैसिटी एंड ड्रॉट ऑकर. अगर पानी रेनफॉल ना हो तो क्या होगा, ड्रॉट आएगा, सूखा पड़ जाएगा, स्कैसिटी, कमी हो जाएगी हमें वाटर की. ऑन द अदर हैंड इफ इट्स मोर, और अगर ये बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है, देन फ्लड्स टेक प्लेसेस, तो क्या होता है, बाढ़ आने लगती है. तो कोई भी चीज़ हम समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी ज़रूरी है, सिर्फ उतनी ज़रूरी है जितना हमें उसकी ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा उससे कम. तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है. आई होप कि समझ में आई होगी सारी चीज़ें. अगर किसी में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूँ, और आपका ये एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर भी फिनिश कर दूँ. सो वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स, तब तक के लिए एंड गुड बाय.